subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के फलस्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.620 बिलियन डॉलर बढ़कर 430.572 बिलियन डॉलर हो गया है. प्रमुख बिंदु: एक निश्चित समय पर किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है. किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय उस देश की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार SDR, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व ट्रेंच आदि से है. विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. आधिकारिक तौर पर RBI न तो किसी विशेष विनिमय दर और न ही विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित करता है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए RBI विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखता है. विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग RBI द्वारा उस स्थिति में किया जाता है जब रुपया डॉलर के मुकाबले अस्थिर हो जाता है. गौरतलब है कि वर्तमान में चीन के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर है. भारत इस श्रेणी में छठे स्थान पर है. रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग विदेश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं. इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जाता है. विशेष आहरण अधिकार SDR को IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था. SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है. आरंभ में SDR को 0.88861 ग्राम सोने के बराबर परिभाषित किया गया था जो उस समय $1 के बराबर था, परंतु ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद SDR को मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में फिर से परिभाषित किया गया था. इस टोकरी में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं: अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेनमिनबी, जापानी एंड ब्रिटेन का पाउंड.